स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको सूरदास के पद नामक पाठ पढ़ाया था और समझाया था, और आज के वीडियो में मैं आपको वाच्य परिवर्तन एवं संधि के विषय में पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, वीडियो को ध्यान से देखना और समझना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वाच्य वॉइस वाच्य वॉइस इन वाक्यों को पढ़िए। अनमोल सब्जी बेच रहा था। नमकीन बेची जा रही थी। यह नमकीन बहुत बिक रही थी। हमसे यहाँ नहीं बैठा जाता। वाक्य एक में बेच रहा था क्रियापद अनमोल के बारे में कुछ बता रहा है या उसके बारे में कुछ विधान कर रहा है। अनमोल करता है, क्रिया उसी के अनुसार है। बेच रहा था, अतः संपूर्ण वाक्य कर्तृवाच्य में है। वाक्य दो में बेची जा रही थी में क्रियापद का उद्देश्य बेचने वाले व्यक्ति के बारे में बताना नहीं, बल्कि नमकीन के बारे में बताना है। नमकीन कर्म है। संपूर्ण वाक्य कर्मवाच्य में है। इसी प्रकार दो खा वाक्य भी कर्मवाच्य में है। वाक्य तीन में बैठा जाता क्रिया के साथ कर्म संभव नहीं है और ना ही कर्ता पर बल है। इसमें क्रिया का भाव ही मुख्य है, इसलिए संपूर्ण वाक्य भाववाच्य में है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसे चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। हिंदी में वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य एक्टिव वॉइस। इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया को करने वाला कर्ता प्रधान होता है और क्रिया उसी के अनुसार चलती है। जैसे विपिन सो रहा है, शशि किताब पढ़ रही है, मैंने दूध पी लिया है। कर्म वाच्य पैसिव वॉइस। कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्ता गौड़। इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, कर्ता के नहीं। कर्ता का तो कभी कभी लोप भी हो जाता है, जैसे मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जाती है, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। यहाँ हिंदी बोली जाती है, यहाँ कर्ता का लोप है। भाववाच्य इम्पर्सनल वॉइस। इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता और क्रिया दोनों गौड़ होते हैं, भाव की ही प्रधानता होती है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया रूप में होता है, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, संध्या से बैठा नहीं गया। विशेष कर्मवाच्य या भाववाच्य के जिन वाक्यों में कर्ता के बाद से का प्रयोग होता है, वह कर्ता की सामर्थ्य का भाव रहता है। ऐसे वाक्य प्रायः नकारात्मक होते हैं, जैसे मुझसे कपड़े नहीं धोए जाते। कर्मवाच्य में सामान्यतः क्रिया के करने वाले व्यक्ति का संकेत आवश्यक नहीं होता, जैसे दक्षिण भारत में चावल खाया जाता है, यहाँ हिंदी बोली जाती है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं के साथ ही संभव है, क्योंकि इसमें कर्म की स्थिति नहीं होती। भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में होती है। वाच्य परिवर्तन चेंज ऑफ वॉइस। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा लगाते हैं। क्रिया के धातु रूप में आ अथवा या जोड़ा जाता है, तथा जा धातु को कर्म के लिंग वचन पुरुष काल के अनुसार प्रयोग किया जाता है। कर्म के साथ यदि कोई परसर्ग लगा हो तो
तो उसे हटा दिया जाता है। उदाहरण, कृतवाच्य शालिनी पुस्तक पढ़ती है, कर्मवाच्य शालिनी के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। सुमन गाना गाती है, सुमन से गाना गाया जाता है। माँ ने कपड़े धोए, माँ के द्वारा कपड़े धोए गए। तुम फूल तोड़ोगे, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना, कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है। क्रिया अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहती है। मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। उदाहरण, कृतवाच्य मैं नहीं चलता, भाववाच्य मुझसे चला नहीं जाता, बच्चा नहीं सोता, बच्चे से सोया नहीं जाता, मैं बैठ नहीं सकता, मुझसे बैठा नहीं जाता, नृत्यांगना नहीं नाचती, नृत्यांगना से नाचा नहीं जाता। तो बच्चों, ये तो वाच्य थे, अब आइए संधि के विषय में पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चों, ये है संधि। संधि किसे कहते हैं, संधि का क्या अर्थ होता है, आइए इसको समझते हैं। संधि का सामान्य अर्थ होता है दो वर्णों का मेल। दो वर्णों के मिलने से तीसरे नवीन शब्द की रचना होती है। जब दो वर्ण पास पास होते हैं तो पहले वर्ण के अंतिम वर्ण का दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के साथ मेल होता है, तब उन दोनों के मिलने से तीसरा वर्ण बनता है, उसे ही संधि कहते हैं। संधि में प्रायः शब्द का रूप छोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें दो ध्वनियों का उच्चारण आपस में मिलकर, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें दो ध्वनियों का उच्चारण आपस में मिलकर एक हो जाता है। जैसे कौन से शब्द हैं? जब हिम तथा आलय शब्द मिलते हैं तो हिम शब्द की अंतिम ध्वनि आ है और तथा आलय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है? बड़ा आ। दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, बड़ा आ बन जाते हैं। अतः हिम प्लस आलय शब्द को बोलने वाला व्यक्ति इसका उच्चारण हिमालय करता है। अब देखिए संधि की परिभाषा क्या है। वास्तविक रूप से संधि किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं, जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके परस्पर मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब देखिए संधि विच्छेद क्या होता है। संधि से बने शब्द को पुनः स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे नरेंद्र है, ये संधि करके बनाया गया शब्द, अब इसको पुनः उसी स्थिति में लाना, जैसे नर प्लस इंद्र नरेंद्र, ये संधि विच्छेद हो गया। इनको अलग अलग करना संधि विच्छेद। अब देखिए स्वर संधि। स्वर संधि क्या है? अब ये तीन संधियां होती हैं, तीन संधियों में पहली स्वर संधि है। स्वरों के परस्पर मेल होने से जो परिवर्तन होता है, यानी स्वर के बाद कोई स्वर आता है तो जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाती है, यानी स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। कौन सी? यण संधि और अयादि संधि। आप आगे देखिए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन के आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत प्लस जन, ये देखिए ता व्यंजन है, इसके बाद व्यंजन आया है तो इससे जो परिवर्तन हुआ क्या बना? सज्जन। बाक प्लस ईस, अब देखिए यहाँ पर व्यंजन के बाद स्वर आया है तो बाक और का प्लस ई बराबर बागीश, वागीश।
अब विसर्ग संधि, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग ये आप जानते होंगे बच्चे, बच्चों आप ये जानते होंगे कि ये दो बंदी जो आगे लगी होती है इनको विसर्ग कहते हैं। विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नमः प्लस ते नमस्ते, क्या बना? नमः प्लस ते। ये देखिए विसर्ग हट गए, यहाँ पर आधा सा आ गया, सा आ गया और नमस्ते। अब स्वर संधि, अब स्वर संधि देखिए, ये व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को विस्तृत रूप से आपको बड़ी क्लासों में पढ़ाई जाती है, बड़ी क्लास में जब आप आ जाएंगे तो पढ़ाएंगे। अभी स्वर संधि का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है आपके लिए, तो हम आपको स्वर संधि के विषय में पढ़ाएंगे, उनके भागों के बारे में। अब दीर्घ संधि, स्वर संधि का ही, स्वर संधि के 5 भाग होते हैं, तो उसमें पहला क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब ह्रस्व या दीर्घ आ आ ई ई उ ऊ के पश्चात क्रमशः, ह्रस्व या दीर्घ आ आ ई ई उ ऊ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई और उ बन जाते हैं। जैसे पुस्तक, अब देखिए ये का है, मैंने आपको पहले ही बच्चों बताया है, जिसमें हलंत लगा होता है उसमें वो आधा का होता है, यानी वो स्वर रहित होता है, परंतु इसमें हलंत नहीं लगा, इसमें आ है, तो इस का आ और बड़ा आ बराबर क्या हो गया? दीर्घ हो गए, बड़ा आ हो गया। तो देखिए यहाँ पर पुस्तकालय, यहाँ पर बड़ा हो गया, आ और आ मिलकर बड़ा आ हो गया। अब दूसरा उदाहरण देखिए, कभी प्लस इंदिरा, यहाँ पर छोटी और छोटी मिलकर बढ़ी, यानी ई ई मिलकर दीर्घ हो गई है, तो क्या बना? कविंद्र, कविंद्र। आप देखिए उ भानु प्लस उदया, उदय, भानु यहाँ पर उ और यहाँ का उ मिलकर दीर्घ हो गया, तो क्या बना? भानु दया, भानु दय, क्या बना? भानु दय। आप देखिए गुण संधि, गुण संधि की क्या पहचान है? यदि आ अथवा आ के आगे ई ई आए तो दोनों के मिलने से ए ए बन जाता है, जैसे परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। अब देखिए इसमें क्या है? माँ का आ, माँ का आ और बड़ी ई मिलकर क्या बन गया? ए, ए बन गए। देखिए इसकी मात्रा भी लग गई है ऐसे इन्हीं की। अब आगे क्या है बच्चों? अगला देखिए, यदि आ और आ के आगे उ, उ आए तो दोनों के मिलने से ओ बन जाता है, ओ बन जाता है, क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। जैसे महा प्लस उत्सव, महा में बड़ा आ और उ मिलकर ओ बन गया, महोत्सव। ये देखिए ओ की मात्रा लग गई इसमें। अब आगे यदि आ और अथवा आ के आगे री आए तो, री आए तो दोनों के मिलने से अर बन जाता है, क्या बन जाता है बच्चों? अर। जैसे महा प्लस ऋषि, महर्षि, आ महा का आ में बड़ा आ है और दीर्घ आए और री दोनों को मिलाकर क्या बन गया? अर। मह और हा में आ है और ये रा, अर मह ऋषि। अब अगली संधि क्या है बच्चों? तीसरी स्वर संधि कौन सी है? वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि के विषय में जानेंगे। यदि आ अथवा आ के आगे ए ऐ आ जाए, आए तो ए ऐ आए तो दोनों के मिलने से ए ऐ बन जाता है, क्या बन जाता है? ऐ बन जाता है। जैसे सदा प्लस ए तो क्या बन गया? सदा में आ है। देखिए यहाँ पर सदा में क्या है बच्चों? बड़ा आ है, क्या है? बड़ा आ है और यहाँ ए है, तो दोनों मिलकर क्या बन गए? ऐ बन गए। तो यहाँ पर ए की दो मात्राएं होती है, ए की एक मात्रा, ए की कितनी मात्राएं होती है?
दो मात्राएं, तो यहाँ पर देखिए दो मात्राएं लग गई, सदैव बन गया। अब देखिए यदि आ के आगे ओ अथवा औ आए तो दोनों के मिलने से औ हो जाता है, क्या हो जाता है, बन जाता है औ बन जाता है। जैसे जल ओ ओग, जल प्लस ओग, तो जल में आ और औ का औ मिलकर दोनों क्या बन गए, औ बन गए। आ और औ मिलकर, आ और ओ मिलकर औ बन गए। तो यहाँ पर क्या शब्द बना, जलोग, क्या बना, जलोग। अब देखिए महा प्लस औषधि, महा में बड़ा आ और प्लस औ मिलकर क्या बन गया, औ। तो क्या शब्द बना, महौषध, क्या बना, महौषध। अब अगली संधि देखिए यण संधि, यण संधि यदि इ के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो इ का ये हो जाता है, क्या हो जाता है, ये हो जाता बन जाता है। जैसे इति प्लस आदि, इत्यादि, या बन गया है देखिए, या इति प्लस आदि इत्यादि। यहाँ देखिए ता में ई है, ई और आ मिलकर ए बन गया, क्या बन गया, या, यानी इत्यादि। देखिए यहाँ पर या हो गया, और ये जो वर्ण होता है आगे इसमें ई की मात्रा लगी थी ता, वो हमेशा आधा वर्ण हो जाता है और आ की मात्रा लग जाती है, और ई किस में बदल जाएगी, ए में बदल जाती है। देखिए ई ए में बदल गई है, ता आधा हो गया और आ का डंडा यानी आ की मात्रा लग गई, इत्यादि बन गया शब्द। अब आगे देखिए यदि उ अथवा उ के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो उ उ का उआ बन जाता है, जैसे सु प्लस आगत। अब देखिए सा में उ है, ये सा आधा है, क्योंकि स्वर निकल जाएगा तो ये आधा रह जाएगा। अब ये उ और इसका आ बराबर क्या बन गया, उआ बन गया। तो क्या शब्द बना, स्वागत। अब देखिए ये है उआ बन गया, उ का क्या बन गया बच्चों, उआ। अब यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो री का रा बन जाता है, जैसे पित्र प्लस आज्ञा, पित्र आज्ञा। अब देखिए यहाँ पर री और बड़ा आ मिलकर क्या बन गया, रा, यानी यहाँ पर रा है, पित्र आज्ञा, पित्र प्लस आज्ञा। अयादि संधि, अब पांचवी संधि कौन सी है, अयादि संधि। यदि ए ए ओ औ के बाद, यदि ए ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का क्या हो जाता है बच्चों, ए का ए हो जाता है, ए का आए, ओ का आओ, औ का आओ। जैसे अब देखिए पौ प्लस अक, पावक। अब देखिए पौ में किसकी मात्रा है, औ की और आ। जब देखिए ए ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, अब भिन्न स्वर क्या है, आ है, आ भिन्न है, तो क्या हो गया, अब औ और आ मिला तो आओ बन गया। तो क्या बन गया, पावक, क्या बना, पावक शब्द बना। अब देखिए ने प्लस अन, ने में क्या है ए, ए, और अन में क्या है आ, दोनों मिलकर ए बन गए, तो क्या हो गया, न एन, न एन, ए, न ए न। तो बच्चों आपको संधि समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब आप लोगों के लिए एक काम है बच्चों, आप लोग थोड़ी देर के लिए, दो मिनट के लिए वीडियो को बंद कर दीजिए, दो मिनट के लिए वीडियो को रोक दीजिए, और आपको ये वर्क दे रहे हैं, देखिए पांच शब्द लिखे हैं, आपको इनकी संधि विच्छेद करनी है। दो मिनट के लिए वीडियो रोकिए और इन शब्दों की संधि विच्छेद अपनी कॉपी पे कीजिए। अब आइए देखते हैं आज की एक्टिविटी में आपके लिए क्या है बच्चों। आज की एक्टिविटी में है एक्सरसाइज 4, इन वाक्यांशों का वाक्यों में प्रयोग करो। देखिए यहाँ पर कुछ वाक्यांश दिए हुए हैं इस एक्सरसाइज में, आपको उनका प्रयोग वाक्यों में करना है, यानी वाक्य बनाना है उन शब्दों का प्रयोग करके। तो इस वर्क को कंप्लीट कीजिए बच्चों। अब आइए देखते हैं आज के क्लास वर्क में आपके लिए क्या है बच्चों। क्लास वर्क में एक्सरसाइज 3, नीचे लिखे शब्दों का संधि विच्छेद करो। तो बच्चों
इस वर्क को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अब आइए देखते हैं आज के होमवर्क में आपके लिए क्या है। होमवर्क में जो वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, उसको ध्यान से देखो, पढ़ो, समझो, लिखो और याद करो। कोई समस्या हो मुझे फोन करो, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगी। धन्यवाद।